ताऊते तूफान के बाद यास तूफान ने दस्तक दे दी है। इस तूफान को यास नाम ओमान देश से मिला है। यह पारसी भाषा के एक शब्द से बना है। इसका मतलब जूही का फूल होता है। यास तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पारादीप और सागर द्वीपों के पास आया है। इसका प्रभाव बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। हालांकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा असर दिखाई देगा। यूपी में भी इसका चक्रवात का असर दिखाई दे सकता है। 26 से 28 मई के बीच यूपी में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में इस तूफान का किसी प्रकार का कोई असर नहीं देखा जाएगा।